हमें नोटिस नहीं दिया जाता और हमेशा ये मीटिंग जो है मिनीबार में रखी जाती है। आप नए नए मंत्री बने, आप ही विधायक बने रहे हैं, आपको मालूम है कि विधानसभा में हमेशा मंगलवार की मीटिंग विधानसभा में होती है। डिस्ट्रिक्ट एंड विजिलेंस मॉनिटरिंग की मीटिंग हुई, वो भी मंगलवार को, मैंने ऑनलाइन विधानसभा से ज्वाइन की 2.5 घंटे तक। बार बार मना करने के बाद भी जब झज्जर जिला प्रशासन मंगलवार को बैठक बुलाने से बाज नहीं आया तो झज्जर के विधायक गीता भुक्कल अपनी समस्या लेकर ग्रीवेंस समिति की बैठक में पहुंच गई। सामने पंचायती राज मंत्री के साथ बाकी विधायक और अधिकारी मंच पर बैठे थे और कांग्रेस विधायक अकेली शिकायतकर्ताओं के साथ जाकर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो खुद देखिए किस तरह से उन्होंने मंत्री के सामने जिला प्रशासन की क्लास लगाई। पहली बात तो हमें प्रॉपर नोटिस इस मीटिंग का नहीं मिला, केवल मात्र एजेंडा भेजा गया है, हमें नोटिस नहीं दिया जाता और हमेशा ये मीटिंग जो है मंगलवार में रखी जाती है। आप नए नए मंत्री बने, आप भी विधायक बने रहे हैं, आपको मालूम है कि विधानसभा में हमेशा मंगलवार की मीटिंग विधानसभा में होती है। झज्जर विधानसभा की जनता ने हमें चुनकर भेजा है अपनी आवाज को वहां पर उठाने के लिए, और मैंने आपको भी ये फोन करके ये कहा कि काइंडली आप मंगलवार की बजाय किसी और दिन मीटिंग रख लें ताकि हम अपने क्षेत्र की जो ग्रेवेंसीज लगी हुई हैं उनको हम अच्छे से टेकअप कर पाएं, लेकिन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एंड विजिलेंस मॉनिटरिंग की मीटिंग हुई, वो भी मंगलवार को, मैंने ऑनलाइन विधानसभा से ज्वाइन की 2.5 घंटे तक, और उसके बाद आज ग्रेवेंस की मीटिंग हुई है, आज फिर मंगलवार को हुई है। आप बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आप एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये इंश्योर कर लें, क्यों देखिए मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं, आप सुन रहे हैं मैं, लेकिन मेरा भी बोलने का पूरा अधिकार है, मैं आपका धन्यवाद करूंगी। मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं, एक तो हम लोग 4 विधायक हैं, हमारा अधिकार है इस मीटिंग में आना और आपकी जिम्मेवारी है ये इंश्योर करना। मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि जिसकी ग्रेवेंस थी उसको फोन मिलाओ, क्या आप पूछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से विधायकों को क्या फोन किए गए थे, क्या हमें कोई नोटिस दिया गया है, नहीं दिया गया, एक। और दूसरा, क्योंकि आज के समय में जिला परिषद चेयरमैन नहीं है, ब्लॉक समिति चेयरमैन नहीं है, लोकल बॉडीज के चेयरमैन नहीं है, सब कुछ अधिकारियों के हाथ में है, तो हम चुने हुए नुमाइंदे कहां जाके ग्रीवेंस करेंगे। गीता भुक्कल को खुद के बीच देखकर शिकायतकर्ता भी हैरान था, बाकी कांग्रेस के विधायक मंच साझा कर रहे थे, अकेले गीता भुक्कल ही नीचे बैठी थी। हालांकि जब पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया तो वो वापस जाकर मंच पर बैठ गईं। गीता भुक्कल का आरोप है कि जिला प्रशासन ना तो विधायकों को बैठक में जाने के लिए कोई नोटिस देती है और बार बार मना करने के बाद भी बैठक मंगलवार को ही बुलाई जाती है, ये जानते हुए कि मंगलवार को विधानसभा में भी बैठक होती है जिसमें सभी विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। हमने ऑलरेडी स्पीकर साहब को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, डीसी को भी कहा और कंसर्न मिनिस्टर को भी ये कहा कि मंगलवार बुधवार हम लोगों की फिक्स्ड मीटिंग होती है 11 बजे की विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग जो है आज फिक्स की गई। दूसरा, हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, इसलिए मैंने अपना विषय जो है ग्रेवेंस कमेटी में लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आज हमारे यहाँ पर जो है जिला परिषद का कोई चेयरमैन नहीं है, लोकल बॉडीज़ का कोई चेयरमैन नहीं है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन नहीं है, और हमारा मतलब आप देख लें कि पंचायत के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, सभी कुछ जो है ऑफिसर्स के कब्जे में है इस समय, तो डेमोक्रेसी में ही कोई अच्छा संकेत नहीं है कि आप हमें प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। बैठक में कई शिकायतों को सुना गया जिसमें से ज्यादातर शिकायतों को पंचायत मंत्री समय पर ही निपटाते रहे। इस दौरान बैठकों में अधिकांश मामले पेंडिंग रहने के भी आरोप लगे। इस दौरान बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि जो शिकायतें आई थी उन्हें सुना गया है और अधिकारियों को उनके समाधान के आदेश भी दिए गए हैं। बिल्कुल, समस्याएं जो रखी गई सामने उनका निवारण किया गया और आदेश भी जारी किए हैं, संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत भी किया गया है कि अब टाइम मॉनिटरिंग के साथ, गुणवत्ता के साथ जो जो लोगों की शिकायतें हैं या डेवलपमेंट के जो काम है उनको समय बद्ध तरीके से पूरा करने का काम। इस दौरान देवेंद्र बबली ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना ये है कि जिस तरह से झज्जर में शिकायतों का अंबार लगा है उसे पंचायत मंत्री कितनी जल्दी गिरा पाते हैं। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।